सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं मोटरसाइकिल प्लाजा पर, हमारे साथ हैं उजैर भाई। और आज की जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो ये है कि 2020 के जितने भी नए मॉडल्स लॉन्च हुए हैं उनका आपको एक वॉक अराउंड चेक करवाएंगे, साथ उनका जो है प्राइस वगैरह क्या चल रही है, तो न्यू स्टिकर जो आ चुके हैं वो आपको दिखाए जाएंगे, और दूसरा ये कि रेट्स के बारे में भी बताया जाएगा जो अपडेटेड हुई हैं, या 20 मॉडल के जो स्टिकरों के प्राइस है वो भी सारी बताई जाएंगी। जो नए फ्यूचर आए हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। उसके अलावा जो नए बाइक्स आने वाले हैं उनके बारे में भी लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो चलिए, आपका टाइम जाएगा कि अगर बाइक्स की तरफ चलते हैं। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय मोटरसाइकिल प्लाजा, चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ये हमारे पास आ जाता है क्राउन 100 2020 मॉडल है। ज़्यादातर इसके जो ग्राफिक्स हैं वो होंडा 125 की शेप की तरह मिलते हैं, और ड्यूल फ्रेम आता है इसमें, डबल फ्रेम जो है जो इंजन की सेफ्टी भी बताता है और बाइक के फ्रेम को भी सेफ रखता है। उसके बाद इसका जो एग्जॉस्ट आता है वो आता है 125 शेप में, क्रोम में, सॉरी क्रोम में नहीं है, दूसरा इसमें आता है नॉर्मल जो 125 होंडा के साथ आ रहा है। जो इसका जो टैंक देखें वो भी जो शेप इन्होंने 125 वाली जी बिल्कुल, अगर इसको कोई आउट ऑफ मार्केट भी लगवाना चाहिए पार्ट्स तो वो होंडा 125 के टैंक टॉप इसको लग जाते हैं आसानी। उसके कितने सिलेंडर में आता है ये, इसका जो बोर आ रहा है साइड पे होगा, बता देता हूँ 97 बोर है इसका, 100 सीसी है और 97 इसका सिलेंडर है। सही, इस साइड से भी बाइक फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और अभी आप उसके अलावा इसके जो मीटर के ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी इन्होंने चेंज कर दिए हैं, काफ़ी मुनासबत से इन्होंने इन्हें खूबसूरत बना दिए हैं, जिसमें आपको स्पीडोमीटर भी मिलेगा, उसके अलावा क्राउन का लोगो मिल जाएगा, उसके बाद न्यूट्रल का ऑप्शन मिल जाएगा और इंडिकेशन का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। इसकी की आप देख सकते हैं, बकाया इसके आप ग्रिप्स वगैरह देख लें, बकाया इसकी ग्रिप फिनिशिंग हर चीज़ जो है उन्होंने मद्देनज़र रखी है और बहुत अच्छी क्वालिटी उन्होंने की है। फ्रंट से दिखा दें एक बार नाज़रीन को, फ्रंट से आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइट वगैरह काफ़ी हैवी शेप उन्होंने बनाई है। ज़्यादातर जो है वो पहाड़ी इलाके के लोग इसको पसंद करते हैं 100 सीसी को, यानी कि अगर लॉन्ग शॉट दोनों रास्ता उन्होंने देखना है तो उस लिहाज से बेस्ट है। ये फ्रेंड्स क्लिप से आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आप क्वालिटी वगैरह देख सकते हैं। बाकी इसकी एक साल वारंटी भी है, अगर किसी किस्म में खुदा ना खास्ता जो वारंटी में चीज़ें आती हैं उसमें ख़राब होती हैं तो कस्टमर को हम रिपेयर करके देते हैं। ये प्लास्टिक का इसमें कर दिया इन्होंने, ठीक हो गया। इसकी प्राइस क्या है, इसकी जो कैश प्राइस है वो 60,000 है। सही, बाकी वही असलान भाई के रेफरेंस से कोई आता है अगर 6 माह में क्लियर करता है तो उसे हम 60-500 का फाइल फीस समेत, यानी कि टोटल चार्जेस समेत देंगे। सही, अच्छा लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हम इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहे हैं तो इसकी डाउन पेमेंट वगैरह क्या होगी। इसकी डाउन पेमेंट जो है वो 17,500 रुपये है, अगर कोई 6 माह में लेगा 17,500 को माइनस कर दे 60-500, बाकी जो अमाउंट बचती है उसको 6 के साथ डिवाइड कर दे। सही, और अगर कोई ऊपर जाता है तो उसमें डाउन पेमेंट जाता तो है, फिर नहीं डाउन पेमेंट यही रहेगी, उसमें ये हो जाता मार्कअप लग जाता पर मंथ जितने माह वो चलाता है, 2.5% होता है, यानी कि 1100-1200 रुपया ये होता है पर मंथ ऊपर जितने महीने वो ऊपर चलाता है। अगर कोई साल में क्लियर करना चाहे साल का ऑप्शन है, 2 साल में करना चाहे 2 साल का ऑप्शन है, यानी कि ओपन पैकेज है, जितना जल्दी वो क्लियर करेगा उतना उसको डिस्काउंट हो जाएगा फिक्स। ये जो आप मतलब परसेंटेज वगैरह बता रही हैं यही रहेगी या देखिए एडवांस ज़्यादा देते तो जारी बात है वो काम हो गया, हम 2.5% लगाते हैं बाइक की कीमत का, वो जितनी डाउन पेमेंट ज़्यादा देगा उतना उसके अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी। तो अगर कोई बंदा लेता है ज़्यादा टाइम के लिए तो उसे टोटल कितने का पड़ जाएगा इसके एक्चुअल अमाउंट के अलावा। अगर कोई टोटल लेगा तो उसको साल में जो है मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ जी, वो हमें क्लियर कर देते हैं। बाकी आप बाइक का इंजन हम आपको दिखा देते हैं, और इसका जो ये आप देख सकते हैं जो कि 100 में जो चीज़ वाजह की जाती है कि ये इसका जो फ्रेम है आप देख सकते हैं ड्यूल क्रेडल फ्रेम होता है इसमें, और उसके साथ साथ इंजन देख सकते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंजन में 100 सीसी और 70 सीसी के इंजन का डिफरेंस आपको बताऊंगा। तो ज़ाहिर भाई कैलकुलेशन कर रहे हैं आपको बताएंगे कि 2 साल में आपको ये पड़ेगा 87,000 का टोटल। सही, और आपकी जो पर मंथ इंस्टॉलमेंट है वो 3,000 रुपया हो जाएगी, 3,000 रुपये बनेगी। और वैसे इसकी क्या प्राइस बताइए आपने, वैसे इसकी अगर कैश प्राइस पे लेंगे 60,000 रुपये का कस्टमर को मिल जाएगा। 60,000 और दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, दोनों में यानी कि तकरीबन जो है वो 1300 रुपये पर मंथ का डिफरेंस आ जाता है, 1385 रुपये। अगर ये बाइक आप साल में क्लियर करेंगे तो 73,500 रुपये का पड़ेगा, और जो आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट होगी वो होगी 4,870 रुपये। सही, थोड़ा सा एक और कैलकुलेशन करें कि अभी इसके अपने जो कैश प्राइस सही वो कितनी है, 60,000 रुपये, 60,000। और अगर कोई 2 साल के लिए लेता तो उस पर कितने का पड़ेगा, उसमें उसको पड़ेगा 87,000 रुपये। दोनों का डिफरेंस निकालें, दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें तो वो तकरीबन बनता 27,000, यानी वही 1385 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा बन गया। सही, उधर भी और कौन कौन से 2020 मॉडल आया वो भी ज़रा चेक करें। हमारे पास आया एक ट्रीट वालों ने न्यू ब्रांड आया ट्रीट बिग 70। सही, इसमें भी उन्होंने जो है फर्स्ट जो
उसका वैसे तो जो नॉर्मल आता है वो या ब्लैक कलर होता है या क्रोम कलर होता है, इसमें उन्होंने रेड कलर दे दिया है। सही, या जंग शंग से बच जाता है कलर। दूसरा ये कि खूबसूरती में भी इसके इजाफा करता है। अगर इसके मीटर की जाना है, अगर आप कैमरा लेकर आए तो वो भी क्रोम की तरह सेम ही मीटर इसका बनाया गया है। सही, तो इसमें बिग बिग जैसा गया है, मतलब ये बिग ये है कि इसकी टैंकी लंबाई में भी ज्यादा है, 1:5 का निस्बतन। सही, शेप 1:5 जैसी है, वो 1:5 की तरह थोड़ी सी मुनासबत खाती है, यानी कि हिसाब से मुनफरद है अगर इसकी लुक पे आप जाएंगे। जी जी। उसके अलावा इसका जो एग्जॉस्ट है स्लंसर, वो भी इन्होंने 100 की शेप का दिया हुआ है, जो 1:5 और 100 में आता है। और सबसे अच्छी बात इसकी है, इसकी टोटल जो है स्प्रिंग उन्होंने कर दी है, वैसे बाजू का ज़्यादा कवल होती है और उसके अलावा नीचे इन्होंने टोटली स्प्रिंग कर दी, जिसकी वजह से शॉक इसकी अच्छी तरह पंप होती है। मतलब सस्पेंशन पीछे बैठने वाले को और चलाने वाले को अच्छी, उसको कितने सिलेंडर में आता है ये? इसकी 70 होता है और जो इसका सिलेंडर है वो 78 आता है। ये भी मेटल में फ्रेंड्स देख सकते हैं जी, 78 इसका बोर है। अगर आप कैमरे पे दिखाएं तो मैं थोड़ा सा लाइट चला के नाज़रीन को चेक करवा देता हूँ। 78 बोर का सिलेंडर है, 78 सिलेंडर जो जेन्युइन आता है, आई थिंक सो 78 शेप जो है इन्होंने चेंज कर दी है इसकी। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं सर। और कौन कौन सा 2020? अच्छा, इसकी प्राइस क्या आपने बताइए? इसकी प्राइस जो आ रही है कैश पे अगर कोई लेता हमसे तो उसको हम दे देंगे फाइनल ये 58,000 का। 58, बाकी वही 6 माह में लेगा तो 60,500 का पड़ जाएगा। साल में अगर वो लेगा यही बाइक तो उसे वो पड़ जाएगा, इसका भी एडवांस जो है वो 17,000 रुपये है, 17,500 एडवांस है इसका। और अगर आप ये कोई 6 माह में लेगा तो उसको टोटल 60 का ही पड़ेगा। सही, और अगर कोई हमसे साल में लेगा तो उसको हमें, इसकी फ्रंट लाइट आप देख सकते हैं राउंड शेप में है, और अगर आपको ये अच्छी नहीं लगती तो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज करके इसको छोटी लाइट भी, इसमें स्केयर लाइट लगा सकते हैं, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब देख लें इसका ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाती है। जी बताइए इसका क्या पैकेज है? में आपको ये पड़ेगा 78,000 रुपये का किस्त, क्योंकि 4,875 रुपये 17,500 इसका एडवांस है। सही, बाकी एक साल इसकी वारंटी है, अगर किसी किस्म का मसला आता है तो कंपनी इसको आपको रिपेयर करके देगी बकायदा। सही, तो ये आपने जो प्लान बताया ये साल वाला बताया, दो साल का है? साल का। अगर आप यही प्लान 2 साल में लेंगे तो आपको ये पड़ेगा, का पड़ेगा, जिसकी आपकी किस्त बनेगी 2,860 रुपये। सही, तो फ्रेंड्स ये डिटेल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग नीचे क्वेश्चन करते हैं कि यार अगर मैं इतनी डाउन पेमेंट दूँ या अच्छा सर भी अगर कोई ज़्यादा डाउन पेमेंट देता है तो उसमें ऑटोमेटिकली किस्त कम हो जाएगी, 2.5% लगाते हैं कैश प्राइस ऊपर जो रिटेल इसकी प्राइस होती है। सही, अगर कोई वीडियो के मुनासबतन से सलमान भाई के रेफरेंस आता है उसको मज़ीद डिस्काउंट दें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रीट 70, जो कि बिल्कुल होंडा 70 की कॉपी है शेप में, इसकी जस्ट आप मोनोग्राम अगर चेंज करते हैं तो बाकी सारा वही ग्राफिक्स श्राफिक्स सीट मीटर के अंदर का डायल अगर असलान भाई दिखाएं तो बिल्कुल सेम होंडा 70 वाला, अगर कोई होंडा 70 चला रहा है उसको खुद पता चल जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद क्लच की इसकी क्लीननेस भी उसी तरह ही है, हर चीज़ यानी कि उसी तरह ही है। ये आपको मिलेगा अगर किस्तवर कोई यही किस्तवर हमसे लेता है 12,500 का एडवांस है। सही, 6 माह में अगर हमसे कोई लेता है तो उसको टोटल ये 53,000 का पड़ेगा, 53,000 का। अगर साल में कोई लेगा तो उसको 65,000 का पड़ेगा और 2 साल में 73,000 का पड़ेगा। और वैसे कैश पे क्या, हार्ड कैश पर कोई लेता है तो उसकी 49,000 कीमत। फ्रेंड्स ये 78 है और मैं इस बारे में आपको कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगा कि कुछ बाइक्स पे यहाँ पे 90 क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल डिटेल में बात होगी। और उसके अलावा इसकी 1 साल वारंटी है। सही, पार्ट्स और इंजन दोनों की, अगर किसी किस्म का मसला आता है तो वो पार्ट्स चेंज हो जाएगा, रिपेयर। ब्लैक कलर भी देख सकते हैं आप। अच्छा, फिनिशिंग क्वालिटी इसके इंजन की और अगर मैं देखूं तो मुझे अगर यहाँ पे ये ट्रीट ना लिखा होता, अगर होंडा लिखा होता तो कोई डिफरेंस नहीं था। बस बात हमारे पास आते हैं कस्टमर वो यही कहते हैं यार ये खड़ा हुआ होंडा 70 आपके पास। बिल्कुल, इसकी शाइन देखें टैंक के ऊपर शाइन, और मुझे तो लग रहा है थैंक यू उतार के लगा दिए 70। पहले वीडियो में शुरू में ही कहा था कि इसका जस्ट ग्राफिक अगर चेंज करें तो बाकी वही चीज़ है। बाकी इसका इंजन वगैरह, इसका कार्बोरेटर सिस्टम देख लीजिए आप, बाकी मेटल की फिनिशिंग, लाइट, इशारे, हर चीज़ जो है उसी की 70 वाली क्वालिटी की लगी हुई है। बिल्कुल, ये सेल हो रहे हैं और कैसा रिस्पॉन्स है कस्टमर इसका? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ज़्यादातर लोग यही करते हैं जिस यानी कि जो बच्चों को लेके देने जाते हैं होंडा 70 अगर उनकी जेब इजाज़त नहीं दे रही जी, तो जी। इसी तरह करते हैं ग्राफिक्स जस्ट चेंज करा देते हैं जी जी। और बच्चों को दे देते हैं, कहते हैं जी ये होंडा 70 है बेटा। सही, और कुछ लोगों का कहना है कि कुछ टाइम बाद ये बाइक खड़क जाते हैं या मतलब ऐसा है, होंडा भी पाकिस्तान में बन रहा है और ट्रीट भी पाकिस्तान में बन रहा है। सही, या वो बाहर से आ रहा होता तो फिर तो हम कहते कि नहीं वो ज़्यादा अच्छा, दोनों चीज़ें पाकिस्तान में ही बन रही हैं। सही, अच्छा इसका ये चेंज हो सकते हैं हार्ड सॉफ्ट हो गया। तो फ्रेंड ये तो थे कुछ 2020 मॉडल जिनका उज़ैर भाई ने हमें बताया। आज उज़ैर भाई ने हमें डिटेल में जाकर बताया और ये भी बताया कि अगर आप
कितने टाइम के लिए बाइक परचेज करते हैं और कितना उसमें आपको जो है वो डाउन पेमेंट, तो इनकी वही उन्होंने बताया सेम है, इंस्टॉलमेंट वगैरह बताई, किस्तें बताई कि कितनी उसमें जो है किस तरह से आपने पे करना है। मैंने डिटेल में क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि आप लोगों का काफ़ी क्वेश्चन होता है नीचे कि यार अगर ये वाला बाइक लें तो उसकी डाउन पेमेंट क्या होगी, डाउन पेमेंट सेम होगी और अगर आप ज़्यादा डाउन पेमेंट करते हो तो उसमें इंस्टॉलमेंट आपकी कम हो जाती है, कम हो जाता है मार्जिन भी और टोटल भी बिल्कुल। और कैश प्राइस भी आपको बताइए, अगर अभी भी मजीद आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, उजैर भाई अपनी आईडी से आपको रिप्लाई भी करेंगे वहाँ पर आकर, और मैं भी कोशिश करूँगा कि अगर कोई क्वेश्चन कोई चीज़ बाकी रहेगी तो इंशाल्लाह हम नीचे आपको कमेंट्स में रिप्लाई करेंगे। उसके अलावा सुजुकी एक ऑफर दे रही है, वो भी ज़रा यहाँ पर सुजुकी ऑफर ये दे रही है कि सुजुकी का आप कोई भी बाइक लेते हैं 2 साल में आपको कैश प्राइस में पड़ेगा जो उसकी ऑफिशियल कीमत है, सही 20% उसका एडवांस है, उसमें रजिस्ट्रेशन और फाइल अलावा उसके देनी पड़ती है, सही। उसके अलावा 2 साल में अगर क्लियर करते हैं तो आपको उतनी अमाउंट में पड़ेगा, कोई इजाफी चार्जेस नहीं है, सही। उसके अलावा जनवरी और मार्च का जो मार्च और फरवरी का क्या था, फरवरी से लेकर मार्च के एंड तक कोई भी अगर सुजुकी बाइक परचेज करेगा उसमें उसको लकी ड्रॉ में डाला जाएगा जिसमें एक GDS फर्स्ट इनाम, GD110S, दूसरा जो है आईफोन है, फिर उसके बाद हेलमेट है, ग्लव्स हैं और छोटे मोटे वाउचर्स हैं वो आप मिलेंगे। ये ऑफर फ्रेंड्स इस आप अगर कैश पे बाइक ले रहे हैं या कैश पे ले लीज पे लें, लीज पे लें, ये दोनों में, और ये ऑल ओवर पाकिस्तान में है या सिर्फ इधर, ऑल ओवर पाकिस्तान में, सुजुकी पार्क सुजुकी कंपनी खुद इसको डील कर रही है, सही। मतलब अगर मार्च के एंड तक यानी 30 मार्च तक का ये ऑफर है, 30 मार्च तक अगर आप कोई भी सुजुकी का बाइक परचेज करते हैं तो आप लकी ड्रॉ में ऐड हो जाएंगे, आपका एक कूपन जो होगा वो उसमें डाल देंगे और उसमें आपको GD110S मिलेगा या फिर आईफोन कौन सी, आईफोन 7 प्लस, सही। और बाकी इन्होंने बता दिया तो बस लास्ट में आज वीडियो को एंड करते हैं, लास्ट में आपको होर से सुनाना है तो उजैर भाई आपसे इजाज़त चाहेंगे इस बार के साथ, के अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।